हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। अक्सर सेलिब्रिटीज अपने आउटफिट, ज्वेलरी, एक्सेसरीज या फिर फुटवेयर को रिपीट करते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि कभी कभार नेटिजन इस मौके का फायदा उठाकर स्लैब्स को ट्रोल करने में लग जाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉक ऑफ फेम अंजलि अरोरा का भी अपने सैंडल बार बार रिपीट करने के लिए बुरी तरह से ट्रोल होना पड़ा है। दरअसल हाल ही में अंजलि अरोरा बिग बॉस 16 के रनर अप शिव ठाकरे की पार्टी में शामिल हुई थी। पार्टी में अंजलि अरोरा ब्लैक आउटफिट में दिखी। उन्होंने ज्वालीदार स्टाइल टॉप के साथ ब्लैक पैंट पहनी थी और इसे एक ब्लैक सैंडल के साथ स्टाइल किया था। न्यू एंड मेकअप के साथ एक्ट्रेस ने पार्टी वाइब्स दिए थे। यूं तो अंजलि अरोरा के इस लुक को लोगों ने खूब पसंद किया था और लोग उनकी काफी तारीफ भी कर रहे थे। हालांकि कुछ ने उनके सैंडल को नोटिस कर लिया तो किसी ने उनके लुक को नोटिस कर लिया और उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने उनके सैंडल पर कमेंट किया, इसके पास एक ही सैंडल है, जहां देखो एक ही पहनती है पागल। वहीं किसी ने उनकी ड्रेस को टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट की ड्रेस की कॉपी बताया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों की बात की जाए तो उसमें सुनील शेट्टी का नाम जरूर शामिल होगा। लंबे समय बाद सुनील शेट्टी वेब सीरीज हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा के जरिए कमबैक करने जा रहे हैं, जिसको लेकर फिलहाल सुनील एक्शन थ्रिलर हंटर के प्रमोशन में लगे हुए हैं। ऐसे में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड के मेगा सुपरस्टार और अपने अजीज दोस्त सलमान खान को लेकर बड़ी बात कही है। वेब सीरीज हंटर के प्रमोशन के लिए सुनील शेट्टी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें सुनील ने सलमान संग रिश्ते को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर सुनील शेट्टी ने बेबाक अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि सलमान खान का आज जो ऑरा बना हुआ है उसके पीछे की वजह उसका साफ दिल है। जो लोग सलमान के करीबी हैं और उसे अच्छे से जानते हैं, उनके मालूम हो कि सलमान से कुछ भी मांग लो वो तुरंत दे देगा। हमारी दोस्ती बेहद खास है, हम रोज नहीं मिलते, लेकिन कभी मैं सलमान को कॉल करूं तो वो तुरंत बोलेगा कि अन्ना कहाँ हो, मैं आता हूँ आपके पास। वैसे ही ठीक रवैया मेरा भी उसके लिए रहता है। हमारी दोस्ती सिर्फ मतलब के लिए नहीं होती। इस तरह से सुनील शेट्टी ने अपने अजीज दोस्त सलमान खान को लेकर दिल खोल कर बात की है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर किसी अलग पहचान की मोहताज नहीं है। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत मृणाल ठाकुर ने अपनी खास मुकाम बनाया है। इस बीच मृणाल ठाकुर की एक लेटेस्ट तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें मृणाल ठाकुर रोती हुई नजर आ रही है। इस फोटो के साथ मृणाल ठाकुर ने अपने दर्द को भी बयां कर दिया। बता दें कि मृणाल ठाकुर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में एक लेटेस्ट तस्वीर को शेयर किया। मृणाल ठाकुर के इस इंस्टा स्टोरी फोटो में आप देख सकते हैं कि वो रोती हुई दिखाई दे रही हैं। इस फोटो के साथ मृणाल ठाकुर ने लिखा है कि कल का दिन कठिन था, लेकिन आज मैं ज्यादा मजबूत, समझदार और खुश हूँ। हर किसी की कहानियों में कई पन्ने होते हैं, लेकिन हर कोई इसे जोर से नहीं पढ़ते, लेकिन मैं अपनी कहानी के पन्नों को जोर से पढ़ना चुन रही हूँ, क्योंकि शायद किसी को मेरे जरिए सीख गए लेसन को सीखने की जरूरत है। इस तरह से मृणाल ठाकुर ने अपने दिल की बात कह दी। हालांकि इस फोटो के तुरंत बाद मृणाल ठाकुर ने एक वीडियो भी इंस्टा स्टोरी में अपलोड किया, जिसमें वो ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि कल के दिन मैं काफी लो और लाचार फील कर रही थी, लेकिन आज मैं काफी खुश हूँ। हाल ही में मृणाल ठाकुर को सुपरस्टार अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी के कुड़िये तेरी वाइब में देखा गया था। आने वाले समय में मृणाल ठाकुर बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ फिल्म गुमराह में नजर आने वाली है। मृणाल की फिल्म 7 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो ऐसी ही मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।